नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल बेड एग्जाम पर। और दोस्तों, आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग समावेशी शिक्षा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारा बिल्कुल पहला ही टॉपिक है। तो आज की जो क्लास है हमारी, ये क्लास वन है, और इसके बाद आप जो है क्लास टू थ्री, यानी कि आगे आने वाले जो भी प्रोग्रेसिव क्लासेस हैं, कंजिक्यूटिव क्लासेस होंगे, उसके माध्यम से हम लोग समावेशी शिक्षा, जो कि हमारा विषय है समावेशी शिक्षा, इसे यानी कि इसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम आपके सारे टॉपिक को क्लियर भी करेंगे, और साथ ही साथ आपके परीक्षाओं में इन विषयों से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट बच्चे कौन से होते हैं। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि समावेशी शिक्षा क्या है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि विशिष्ट बच्चे क्या हैं, क्योंकि अगर आपको समावेशी शिक्षा की परिभाषा समझ में आ गई, जिसका अर्थ होता है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके अंतर्गत हर एक बच्चे को, हर एक छात्र या छात्रा को जो कि शिक्षा ग्रहण करने योग्य है, उसे समान परिस्थितियों में, समान वातावरण में शिक्षा के अवसर दिए जाएं। अर्थात सिर्फ शिक्षा के नहीं, वो हर एक अवसर जो किसी भी एक सामान्य बालक को दिया जाता है। तो कई बार आपने यहाँ पर सामान्य शब्द, विशिष्ट शब्द, अधिकार, इस तरह के बहुत सारे शब्दों को सुना। इन सारे शब्दों को विस्तार पूर्वक समझते हैं यहाँ पर, और इनको समझकर फिर हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि विशिष्ट कौन है। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आपको कई बार पूछा गया होगा, आपने चेक किया होगा। तो विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, ये आपके प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात ध्यान रखने की है वो ये है कि विशिष्ट का अर्थ होता है जो कि सामान्य नहीं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, विशिष्ट का अर्थ जो कि सामान्य नहीं है। भाई विशिष्ट वही होगा ना जो 10 में से, 100 में से, 1000 में से कम संख्या में होंगे। अब हर एक खिलाड़ी जो है विराट कोहली की तरह ही प्रचलित नहीं है, हर एक खिलाड़ी को एमएस धोनी की तरह पसंद नहीं करते, हर एक खिलाड़ी जो है, हर एक जो पिक्चर बनाने वाले हीरो हैं वो अमिताभ बच्चन, सलमान खान की तरह पॉपुलर नहीं है। इसी तरह से अगर राजनेताओं की बात कर लेते, तो क्या आप हर एक राजनेता को पसंद करते हैं, या हर एक राजनेता उतना ही प्रचलित या पसंद किया जाता है जितना कि कोई भी एक विशेष राजनेता किया जाता? जी हाँ, नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिनको पसंद करते हैं या जो दूसरों से थोड़ा अलग दिखते हैं, उनके अंदर कुछ विशिष्ट गुण है, गुण ऐसे जो कि सामान्य लोगों में नहीं। जैसे कि अमिताभ बच्चन है, उनकी आवाज़ भारी है, उनके एक्टिंग स्किल लोगों को पसंद आती है, उनका तरीका पसंद आता है। तो एक्टिंग तो सभी कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। ठीक इसी तरीके से अगर हम अपने आसपास में, समाज में नज़र उठाकर ध्यानपूर्वक इस बात का अवलोकन करते हैं, इस बात को विश्लेषण करते हैं, तो इस बात को जान पाएंगे कि बहुत सारे बच्चे तो सामान्य, यानी कि देखने में, शारीरिक बनावट में, बोलचाल में, पढ़ने की क्षमता में, सीखने की क्षमता में तकरीबन समान ही है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी योग्यताएं और क्षमताएं सामान्य बच्चों की तरह नहीं होगी, तो उन बच्चों को हम विशिष्ट कहते हैं जो कि सामान्य नहीं है। तो कोई भी जो कि सामान्य नहीं है वो विशिष्ट है। जैसे कि मैं आपको बता, अगर शारीरिक बनावट के आधार पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक साधारण सा बच्चा जो कि सामान्य हाइट का, अगर उसकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो, यानी कोई लड़का या लड़की ऐसा हो जिसकी ऊंचाई यानी कि लंबाई जो है आम बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा हो, तो उसकी हाइट क्या है, उसकी लंबाई क्या है, विशिष्ट है। इसी तरह से सामान्य हाइट के बच्चों की क्लास में अगर कोई एक ऐसा बच्चा आ जाए जो बहुत ज़्यादा मोटा है या जिसकी हाइट बहुत कम है, तो वो क्या होगा, विशिष्ट होगा, क्योंकि वो सामान्य की तरह नहीं है। जो सभी के पास है वो उसके पास नहीं है, बल्कि उससे भिन्न है। तो जब सामान्य से भिन्न कुछ भी हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, अगर उपलब्ध है, अगर विद्यमान है, अगर उपस्थित है, तो वो विशिष्ट कहलाएगा। तब विशिष्ट को समझते हैं, और इन्हीं विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही समावेशी शिक्षा का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, समावेशी शिक्षा को इतना महत्व दिया जाता है। तो किसी भी समूह में आप देखेंगे कि अधिकांश बालक उस गुण के समूह के समान रूप से प्रदर्शित करते हैं, मतलब उस गुण में, यानी कि जैसे आमतौर पर हर बच्चा दिखता है वैसे ज़्यादातर बच्चे देखे जाते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो किसी भी समूह के अधिकांश बालकों के गुण उस समूह के सामान्य गुणों में एकरूपता और समानता
होती है, यानी कि सभी बच्चों को एक ही जैसा आप देखोगे, उनकी बनावट, उनके बोलने का तरीका, सीखने का, पढ़ने का, खेलने का, सब कुछ एक ही जैसा होता है, और ऐसे बालकों को हम सामान्य बालक कहते हैं। तथा जिन बालकों में समूह प्रतिमानों की अपेक्षा कम या अधिक गुण पाए जाते हैं उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 100 बच्चों का एक समूह है या एक क्लास है, क्लास में ज़्यादातर बच्चे तो एक जैसे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन उसी क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, तो कोई एक ऐसा भी बच्चा होगा जो कि पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, उसका प्रदर्शन औसत से भी कम है, वो बार बार तकरीबन सभी विषयों में फेल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी सामान्य नहीं है, क्योंकि सामान्य बच्चे मुश्किल से ही सही लेकिन पास हो जा रहे हैं, और जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत ही मेधावी, बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा, वो हर एक विषय में बहुत ही अच्छे अंक लेकर पास हो रहा है, यानी कि वो प्रतिभाशाली बच्चा, वो भी विशिष्ट है, क्योंकि सभी बच्चे तो अच्छे अंक नहीं ला रहे या बहुत ज़्यादा अंक तो नहीं ला रहे, लेकिन एक ही बच्चा ला रहा है तो वो विशिष्ट है, और वो भी बच्चा विशिष्ट है जो कि हर एक विषय में फेल हो जाता है, जो कि हर एक विषय में बहुत ही कम नंबर लेकर आता है, ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें। तो विशिष्ट जो कि सामान्य से अलग है, ध्यान रखिएगा। तो विशिष्ट बालकों में आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि विशिष्ट बालकों में अपनी विलक्षणताओं या विशेषताओं के कारण समायोजन करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। अब जो विशिष्ट बालक है, अब बहुत ज़्यादा होशियार बच्चा है, तो उसको अगर सामान्य सा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए सॉल्व करने को, लगेगा यार रोज़ रोज़ यही सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ, कुछ चैलेंजिंग होना चाहिए। और ये एक बच्चा जो कि पढ़ने लिखने में होशियार नहीं है या शारीरिक बनावट में उसकी कोई दिक्कत है या किसी प्रकार से वो सामान्य नहीं है, तो वो भी सामना करेगा जब प्रश्नों का, तो उसको मुश्किल होगी। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य चाहे वो शिक्षा की परिस्थिति हो, चाहे खेलने कूदने की बात हो, चाहे समाज में व्यवहार करने की बात हो, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार के बालकों के पालन पोषण और शिक्षा के लिए हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो जो विशिष्ट बालक होते हैं, क्योंकि वो सामान्य नहीं है, तो इसीलिए उनकी शिक्षा, उनका लालन पालन, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें सामान्य परिस्थितियों से अलग विशेष परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता, विशेष सहयोग करना पड़ता उनका, और विशेष तरह से उनको पढ़ने के साधन या उनको विकसित होने के अवसर उपलब्ध कराने पड़ते हैं। तो विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य नहीं होते। सामान्य से तात्पर्य समूह के उन अधिकांश बालकों से होता है जिनके लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और अन्य प्रकार की पाठ सहगामी क्रियाओं में अधिक अंतर रखने की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य बालकों को तो एक ही पाठ्यक्रम दे दीजिए और सब बच्चे उससे पढ़ लेते। लेकिन अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकसित नहीं है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपंग है, उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा ठीक से देख नहीं सकता, कोई बच्चा ठीक से लिख नहीं सकता, किसी बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उसे अगर आप सामान्य परिस्थिति में पढ़ाने का प्रयास करेंगे, सामान्य पुस्तकें देंगे, सामान्य ही तरीके से उसको अगर आप जो है इसका एग्ज़ाम लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उसको वही समान अवसर नहीं दे रहे हैं जिसके लिए वो हकदार है, अर्थात उसकी परिस्थिति के अनुरूप हम उसे सिखाने का प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि हम उन बच्चों के अनुरूप उसे पढ़ाने का प्रयास करें जिसके अनुरूप शायद उसकी शारीरिक, मानसिक योग्यता है ही नहीं। तो आप यहाँ पर समझ पाए होंगे कि विशिष्ट बालक वो होते हैं जो सामान्य नहीं होते, और ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए, उनके लालन पालन के लिए हमें विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो उसे पास में बुलाकर बैठाइए, और अगर आंशिक रूप से सुन सकता है तो उसे हियरिंग एड्स दीजिए। कोई बच्चा अगर देखने में कठिनाई महसूस करता है या थोड़ा मानसिक रूप से पिछड़ा है, धीरे धीरे समझता है, तो उसे बार बार समझाइए, प्रेम से समझाइए, खेल कूद के माध्यम से समझाइए, तो उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो इस प्रकार के बच्चे जो विशिष्ट होते हैं। इसी तरह से आपकी क्लास में एक ऐसा भी बच्चा होगा जो बहुत ही मेधावी है, वो हर काम बहुत जल्दी कर लेता, उसके अंदर नेतृत्व कौशल होगा, उसके अंदर जिज्ञासा होगी, वो हर एक विषय को बहुत जल्दी समझ लेता है। ऐसे बच्चे मेधावी बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, ऐसे बच्चों की शैक्षिक योग्यता के अनुरूप उनको हमको जो है शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना पड़ेगा। सामान्य बच्चे अगर पुस्तक, एक ही पुस्तक को आमतौर पर पढ़ रहे हैं, तो उन्हें हमें थोड़ी और पुस्तकें देनी चाहिए, थोड़े और जटिल कार्य देने चाहिए, जिससे कि उनके अंदर जो छुपी योग्यता है उसका वो सही से इस्तेमाल कर सके और उस योग्यता का सही से सही दिशा में विकास किया जा सके। अर्थात
विशिष्ट बालकों के अध्ययन, अध्यापन, चिंतन, मानसिकता, नैतिकता और जीवन लक्ष्यों में विशेष नहीं होते, किंतु कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो सबके बीच में रहकर भी सबसे अलग दिखाई देते हैं। तो आप समझ गए होंगे, विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से अलग होते हैं। ऐसे बालक संख्या में तो कम होते हैं किंतु गुणवत्ता में बहुत कम या बहुत अधिक होते हैं। तो ये विशिष्ट बालकों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे बालक ना संख्या में कम तो होते ही हैं, लेकिन अगर बात करें या तो उनमें गुण जो होते हैं सामान्य बालकों की तुलना में, या तो वो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पढ़ने लिखने में या तो वो बहुत अच्छे होंगे या फिर शायद बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। इसी तरह से अगर शारीरिक बनावट में, स्वास्थ्य के बारे में भी हम लोग बात करें, तो हो सकता है कि एक सामान्य बालक का स्वास्थ्य नॉर्मल ठीक ठाक होता है, एक अच्छे बालक का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, वो खेल कूद में बहुत अच्छा होगा, शरीर उसका तंदुरुस्त होगा, और एक बीमार बच्चे का शरीर आप जानते ही हो। तो इस तरह से अगर गुणों की तुलना आप करोगे तो सामान्य बालकों की तुलना में, अगर आप, मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर दूँ, ये अगर मान लो आपके एक नॉर्मल बच्चा है, तो अगर जो एक्सेप्शनल बच्चा, प्रतिभाशाली बच्चा है, आप देखोगे कि उसका ग्राफ जो है बिल्कुल इस साइड में पॉजिटिव है, सब कुछ वो अच्छा कर रहा, वेरी गुड कर रहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और जो एक ऐसा बच्चा है जिसके अंदर सामान्य बच्चों से भी कम विशेषताएं हैं, उसके गुण लक्षण कम हैं, उसकी योग्यताएं कम हैं, तो वो उसका प्रदर्शन और भी निम्न होगा, यानी कि नकारात्मक होगा। तो इस साइड में जो बच्चा है वो गुणवत्ता की दृष्टि से कम है, और इस साइड जो बच्चा है वो प्रतिभाशाली मेधावी बच्चा और गुणवत्ता की दृष्टि से सामान्य बच्चों से ज़्यादा है। ये दोनों ही बच्चे आपके स्पेशल होते हैं, विशिष्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? विशिष्ट होंगे आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर वर्गीकरण करना चाहें हम लोग, तो वर्गीकरण करते हैं तो विशिष्ट बालकों को हम लोग प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है प्रतिभाशाली बालक, इसके अंतर्गत भी हम लोग कई सारे प्रकार देखेंगे। और दूसरे होते हैं पिछड़े बालक, जिसमें कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से, कहीं ना कहीं विकासात्मक रूप, मतलब कई सारी जो पक्ष होते हैं विकास के बच्चों के, उसमें जब बच्चा कोई पिछड़ जाता है तो वो पिछड़े बालक की श्रेणी में आता है। लेकिन विद्वानों ने क्या किया, इनको कई मुख्य भागों में बांटा। तो आइए देखते हैं, अगर शारीरिक बनावट के आधार पर हम चर्चा करते हैं किसी विशिष्ट बालक की, तो हम देखते हैं कि शारीरिक बनावट के आधार पर विशिष्ट बालक जो होते हैं, कुछ बालक शारीरिक रूप और बनावट में सामान्य बच्चों से भिन्न देखने को लगते हैं। आमतौर पर अपंग, विकलांग और अत्यधिक कमजोर, यानी कि जिनकी शारीरिक बनावट बहुत ही कमजोर है या अधिक भारी भरकम, बहुत लंबे चौड़े, ऐसे बच्चे भी विशिष्ट, मतलब शारीरिक विशेषताओं के आधार पर विशिष्ट होते हैं। इन्हें सामान्य बालकों के साथ उठने बैठने, पढ़ने लिखने, खेल कूद में बहुत परेशानी होती है, अतः इन्हें शिक्षकों के लिए, इनके लिए शिक्षकों को कुछ अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा जो बहुत मोटा है, चल फिर ही नहीं पाता, तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, उसे आगे बैठाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा बच्चा जो ज़्यादातर बीमार रहता है, तो तब भी टीचर को उसे आगे बैठाना पड़ेगा, उसके पास जाकर पढ़ाना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर कोई बच्चा अपंग है, चल फिर नहीं सकता, कोई बच्चा ऐसा है जो श्रवण बाधित, सुन नहीं सकता, कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो आंशिक रूप से देख सकता या देख ही नहीं सकता, उनके लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो टीचर को छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने शिक्षण में और शिक्षण साधनों में बदलाव करना पड़ता, और यही है समावेशी शिक्षा के प्रमुख आधार। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे भी विशिष्ट बच्चे होते हैं जो मानसिक योग्यता के आधार पर विशिष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए, ये बालक मानसिक और बौद्धिक विकास की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त रूप से भिन्न होते हैं। इस वर्ग में या तो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, जिनमें कि बहुत उच्च गुण वाले होते हैं बच्चे, या फिर इसके विपरीत मंद बुद्धि, पिछड़े हुए, समस्यात्मक बालक, अधिगम के लिए अयोग्य बालक, मंद बुद्धि बालक या मानसिक विकार से ग्रसित बालक आते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि सामान्य बच्चों की तुलना में सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं, तो पिछड़े बालक कह सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो पढ़ने योग्य ही नहीं हैं, या इनके पढ़ाने में बहुत मेहनत लगने वाली है, तो ये भी बच्चे क्या, मानसिक रूप से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इनको हम और विस्तारपूर्वक समझेंगे, अभी तो एक वर्गीकरण ही हम समझ रहे हैं। फिर सामाजिक विकास की दृष्टि से भी बच्चे बहुत सारे आपके विशिष्ट कहलाते हैं। इस श्रेणी में वो बालक आएंगे जो अपने विशिष्ट व्यवहार के कारण समाज के सदस्यों से समायोजन स्थापित ही नहीं कर पाते, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा संकोच होता है, या फिर ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको कि शायद दूसरों से बात करने में डर लगता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे, तो उनको लगता है कि शायद मेरे से बात करेगा ही नहीं कोई, तो मतलब ऐसे
बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामाजिक कौशल से जुड़ी हुई है, सामाजिक कौशल की कमी के कारण या सामाजिक कौशल में बहुत ज़्यादा विकसित होने के कारण भी बच्चों के अंदर जो सामाजिक विकास की दृष्टि से विशिष्टता आ जाती है। तो इस श्रेणी में वे बालक आते हैं जो अपने विशिष्ट व्यवहार के कारण समाज के सामान्य सदस्यों में या सामान्य सदस्यों से समायोजन स्थापित नहीं कर पाते। इस प्रकार के बालकों में प्रायः अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक, शरारती, उद्यमी बालक, दुष्ट प्रकार के बालक तथा नशा और ड्रग आदि के सेवन करने वाले बालक शामिल होते हैं। बाल अपराधी भी इसी श्रेणी में आते हैं आपके। इसके अलावा संवेगात्मक विकास की दृष्टि से विशिष्ट बालक, देखिए ये सब प्रमुख कारक है आपके तरीके हैं वो हम देख रहे हैं। इस प्रकार के बालक अपने विशिष्ट संवेगात्मक और भावनात्मक विकास के कारण सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। ऐसे बालक समूह के अन्य सदस्यों के साथ घुल मिलकर नहीं रहते। ये बालक प्रायः अत्यधिक अंतर्मुखी या बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी, अतः मुँहपट, संकोची, शर्मीले, अत्यधिक क्रोधी, दूसरों को परेशान करने वाले या दूसरों से हमेशा परेशान रहने वाले होते, हमेशा किसी न किसी विषय को लेकर ये चिंतित रहते, चिंताग्रस्त रहते आदि, इस प्रकार की विशेषताएँ देखने को मिलेंगे जो कि मानसिक योग्यताओं से जुड़ी हुई है। तो इस आधार पर भी आप देखोगे कि संवेगात्मक विकास की दृष्टि से भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि विशिष्ट होते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि विशिष्ट बालक आपके अलग अलग होते हैं। अगर इन्हें हम सारांश में लिखना चाहें पॉइंट वाइज, तो हम लिख सकते हैं कि विशिष्ट बालक जो हैं अपने विशिष्ट गुणों या लक्षणों के आधार पर प्रतिभाशाली बालक हो सकते हैं, सृजनात्मक बालक जो कि कुछ नया सोचता रहता है, सामान्य चीज़ों में भी कुछ नया ढूंढता रहे, सामान्य कार्य को जैसे सब कर रहे उससे कुछ अलग तरीके से अगर आप कर रहे तो आप इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, सृजनात्मक बालक हो। अपंग बालक यानी कि लंगड़े बालक, लूले बालक, शारीरिक रूप से विक्षिप्त बालक, किसी कारण से सुन नहीं पाने वाले, देख नहीं पाने, वो सारे बालक अपंग या विकलांग श्रेय। मंद बुद्धि बालक जिनकी बुद्धि थोड़ी मंद है, जिनकी कि सोचने समझने और चीज़ों को समझकर उसके ऊपर निर्णय लेकर कार्य करने की जो क्षमता होती है सामान्य बच्चों से थोड़ी मंद होती, स्लो होती, उन्हें हम बोलते हैं मंद बुद्धि बालक। पिछड़े बालक, पिछड़ापन, मंद बुद्धि होना दोनों अलग अलग चीज़ें। पिछड़ापन का मतलब होता है जो सामान्य बच्चे जिस आयु वर्ग में चीज़ों को सीख रहे हैं, शायद आप उसी आयु के होने के बावजूद उन चीज़ों से परिचित नहीं या उन चीज़ों को आप नहीं जानते, जैसे कि सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे, शारीरिक रूप से पिछड़े बच्चे, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे। अब कोई बच्चा अगर 8 साल की उम्र तक स्कूल जाएगा ही नहीं तो वो शैक्षिक रूप से पिछड़ जाएगा। अगर किसी बच्चे को सही सामाजिक मूल्य ना सिखाया जाए, सामाजिक व्यवहार ना सिखाया जाए, तो वो सामाजिक रूप से पिछड़ जाएगा। तो इस तरह के लक्षण रखने वाले बच्चों को हम पिछड़े बालक कहते हैं। वंचित बालक, ऐसे बालक जो कि सामाजिक परिस्थितियों से, अवसरों से वंचित रह गए, जिन्हें ना पढ़ने का अवसर मिला, ना सामाजिक रीति रिवाज सीखने का अवसर मिला, ना उन्हें दोस्तों का सहयोग मिला, ना उन्हें ऐसा वातावरण मिला जो कि सामान्य बालक को मिलता है, तो ऐसे बालकों को हम वंचित बालक कहते हैं। कुसमायोजित बालक, देखिए बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके कि आसपास का वातावरण जो है अच्छा नहीं होता, जिनके आसपास का वातावरण जो है आपका सहयोगी नहीं होता। उदाहरण के लिए ऐसे बच्चे जो कि झुग्गी झोपड़ियों में जिनका लालन पालन हुआ, या ऐसे बच्चे जिनका कि जिनके माता पिता घर में जो है अच्छे नहीं हैं, या उनके लालन पालन का तरीका अच्छा नहीं है, माता पिता में से जो ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, मतलब ऐसी परिस्थितियाँ जो कि किसी एक सामान्य से बच्चे के विकास के लिए आवश्यक हैं, अगर वो ना मिले उसको तो कहीं ना कहीं उसका विकास जो है समायोजित तरीके से ना होता है, कुसमायोजित हो जाता है। समस्यात्मक बालक, ये उस प्रकार के बच्चे होते हैं जिनके की पारिवारिक जो स्थिति होती है वो सही नहीं होती। उनके घर में हो सकता माता पिता का जो है तलाक हो रहा हो, माता पिता आपस में लड़ाई कर रहे होते, शायद माता पिता का निधन हो गया हो, या किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी के कारण भी इस प्रकार के बच्चे जो है ऐसा व्यवहार दिखाते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जो कि सामान्य बच्चे नहीं करते, जैसे कि तेज चिल्लाना, लड़ना, बात बात पर नाराज़ हो जाना, घर से चले जाना, इस तरह के लक्षण। अधिगम के लिए अयोग्य बालक, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि अधिगम करने योग्य ही नहीं होते हैं, जो कि अधिगम की क्षमता ही नहीं रखते, यानी कि उनको अगर अधिगम कराना है तो आपको उनके लिए विशेष स्कूल की, विशेष शिक्षक की, प्रशिक्षित शिक्षक की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। अपराधी बालक, ऐसे बच्चे होते हैं जो कम आयु में ही अपराधी गतिविधियों में, नशा करने में, या ऐसे कोई भी गैर सामाजिक
तत्वों में शामिल हो जाता है, गैर सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, उन्हें हम अपराधी बालक कहते हैं। तो ये भी विशिष्ट लक्षण है, हर बच्चा अपराधी तो होता नहीं, हर बच्चा गलत कार्य तो नहीं करता। तो इस प्रकार के बच्चे भी विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में आते हैं, और ये थे विशिष्ट बच्चों के प्रमुख प्रकार। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अब आप इसको आराम से लिख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।